और ये उसका पेट्रोल टैप बोलते हैं इसको, ये अगर हम नीचे कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। एंड थोड़ा और पीछे आते हैं हम, इनकी टेल लाइट्स है सब ओरिजिनल जो है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है इसका। एंड देन हमारे पास काफ़ी इसके किताब भी हैं, डिटेल में पूरे किताब हैं जो हमारे बंसल सर बताएंगे। नमस्कार जी सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज भाई साहब के साथ इस 21 गन सैल्यूट में हम प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा और सभी दर्शकों को इंजॉय करवाने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी आज से, किसी को कोई टेंशन नहीं लेने का, इंजॉय करने का, भाई साहब के साथ इंजॉय करेंगे। देखिए कितना शानदार बाइक, मैं तो छूने से भी कतरा रहा हूँ, हाथ लगाते हुए भी डर लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी छू लूँ एक बार? हाँ, नहीं छूँगा। बाइक का बताया भाई साहब ने, अभी देखेंगे आप इसका आरसी बुक। ये इस तरह का होता था सर, पुराना आरसी बुक, अभी तो डिजिटल आ गया। ये आप देखेंगे किस तरह से कपड़े का बना हुआ, गवर्नमेंट बना के देती थी ऐसा आरसी बुक। अभी इधर से ये इस पे, यहाँ पे भी कुछ सुएगा लिखा हुआ है, फिर अपन देखेंगे। देखिए सर्टिफिकेट ऑफ रेजिस्टेंस, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, हाँ वेरी गुड, TNJ 5198। सर हम नंबर मैच करेंगे गाड़ी जी, जरूर जरूर सर, हाँ TNJ 5198। ओ 100 मार्क्स फॉर नंबरिंग, ओके ठीक है सर। देखिए क्या आरसी बुक बनी हुई है और इसमें कुछ ईयर वगैरह भी सब मेंशन होगा। सर ये कौन सा ईयर? 1976। कितना साल हो गया सर, कैलकुलेट कीजिए सर फटाफट, दर्शकों को बताना है अपने को। 50 साल का वाला, चलो ठीक है। और ये कितना सीसी इंजन इसमें बताया है? 49.9 सीसी। इतना छोटा सा इंजन, कितना क्यूट इंजन है, वेरी नाइस। और आज भी 50 साल बाद कैसे साइन मार रहा है, मेरे आँख खुलने को भी प्रॉब्लम हो रहा है सर साइन से। और फिर इसमें मच्छर भी इस पर आनंद ले रहा है आरसी बुक का, अपन नहीं ले पा रहे। बहुत शानदार सर, प्लीज ये आरसी बुक संभाल के रखने की चीज़ है, किसी को नहीं दिखाने का। फिर अपन देखेंगे ये मैनुअल बुक सुएगा का, ये इसी मॉडल का बुक है। और ये क्या कस्टमर को दिया जाता था जी? ये बुक साथ में आता था गाड़ी के साथ आता था। ओ वेरी गुड। लेकिन अब हम दर्शकों को खोल के नहीं दिखाएंगे क्योंकि बहुत कीमती किताब है। या एक अब दिखाइए थोड़ा सा। ओ सभी पार्ट्स के बारे में इतना डिटेल से, जो हमने दिखाया था पेट्रोल टैप जो दिखाया था वही है, ये पेट्रोल टैप का डिटेलिंग पूरा। इसमें सब नंबर स्पेयर पार्ट नंबर होते हैं एंड नंबर के साथ में कौन सा बोल्ड लगता है, कौन सा स्पेयर पार्ट नंबर लगता है, पूरा डिटेल दिया जाता है इसमें। सर मैंने कभी इतनी विंटेज बाइक के साथ मैनुअल बुक नहीं देखा कभी भी। इसमें एक और खास चीज है मैं आपको दिखाना चाहूंगा जी, ये जो किताब है ये कस्टमर को नहीं दी जाती थी, ये किताब जो वर्कशॉप होते थे, सर्विस स्टेशन होते थे, ये वहाँ पे यूज होती थी। तो ये सुबह का जो कंपनी बनाती थी मैन्युफैक्चरिंग, वो किताब ये वर्कशॉप मैनुअल बोलते हैं इसको, ये वर्कशॉप वाले को दिया जाता था। हाँ देखिए सुएगा द मैन मशीन मोपेड्स इंडिया लिमिटेड तिरुपति आंध्र प्रदेश। अरे वाह सर, स्पेयर पार्ट्स कैटलॉग। अरे सर पूरा कैटलॉग है इसमें, इसमें सारे मॉडल है सुएगा के। हाँ इसमें जो है फ्रेंच रिजिड आता था, इंडियन रिजिड आता था और काफ़ी मॉडल्स आते थे। तो ये इस किताब के अंदर आपको सभी मॉडल का हर एक पार्ट नंबर से लेके पूरा डिटेलिंग दिखेगा। तो ये वर्कशॉप मैनुअल है, ये बाहर लोगों को मिलती नहीं। आपने इस बुक्स के फायदे भी उठाए हैं, पार्ट्स भी इकट्ठे किए। कितने पार्ट्स इकट्ठे किए सर? सर मेरे पास अभी कहीं करीबन 4 बाइक्स के स्पेयर्स और पड़े हैं। अरे सर आपने, ये गलत है सर। नहीं सर मुझे आप ऐसे ब्लॉक करके रखोगे तो किसी नहीं, को नहीं, मैं जरूर किसी को भी लगता है तो मैं अभी भी देता हूँ। हाँ, अभी भी मैंने 5 से 6 स्पेयर पार्ट दे दिए थे सर, संभालिए प्लीज जी सर। और सर अब भी टूल किट बताइए सर इसका। जी प्लीज जरूर। हाँ आपने क्या क्या इकट्ठा किया है, हम सब दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि कैसे। अरे नई गाड़ियों में लोगों को टूल किट, ओह सर पैकेट भी। जी जी पैकेट के साथ में, और आप ये देखेंगे पीछे लॉक भी है, तो जो तो यहाँ पे लगता था या यहाँ लगाते थे लोग डिपेंडिंग के ऊपर। अच्छा तो ये ओरिजिनल सुवेगा का टूल किट पीछे हमारे पास। अरे वाह सर, पहले उसको संभाल के रखिए प्लीज। हाँ हाँ, और वो उस आरसी बुक को ऊपर रखिए ताकि वो हवा से ना उड़े। अभी अभी सर थोड़ा सा बताएं जरा केयरफुली सर, 50 साल पुराना है ध्यान से। सर गाड़ी के साथ में आप? सर गाड़ी के साथ में आया बस।
सो ये टूल किट है सर, थोड़ा बहुत संभाल के रखा है सर। इसको मैंने प्लग पाना बोलते हैं, प्लग पाना है सर, थोड़ा डिटेलिंग में है। और वाह, एक दो तीन चार कीज हो गए इसमें सारे जी। और ये एक मेरे पास सिर्फ प्लग कवर है जो मैंने लेके रखा है, अभी संभाल के रखा है। थोड़ा किस तरह से यूज करते हैं सर? ये इसका कवर है, ये वाला। बट ये है जो ओरिजिनल इटालियन मोबिक्लेन आती थी वो टाइम पे। क्या लिखा हुआ है सर? बताता हूँ, ये देखिए मोबिक्लेन लिखा हुआ है। ये ओरिजिनल इटली की जो गाड़ी आती थी इसमें मोबिक्लेन करके, मोबिक्लेन जो बिकती थी। हाँ ठीक है। फिर इंडिया ने डिसाइड किया, दे वांटेड टू लॉन्च इन इंडिया। जब इंडिया में लॉन्च हुई, सुबह का नाम देके लॉन्च हुई। अच्छा अच्छा सर, प्लीज इसको संभाल के रखिए, वैसे ही पैक करके रखना। जी जी जी। तो मैं दर्शकों को पूछना चाहूँगा कि कैसा लगा इतनी छोटी सी प्यारी सी बाइक देख के? और सर इसको हम राइड कब करेंगे? सर इवेंट के बाद संडे के दिन हम डेफिनेटली, बिकॉज अभी तो निकाल नहीं सकते, बट संडे के दिन एक चीज तो वीडियो बना। सर कुछ लोग राइड कर रहे हैं सर, वो इंटरनल लाने के लिए सर। अब वो जो है वो बैटरी कार्स है। नहीं, मैंने हमने यहाँ और भी गाड़ियाँ देखी सर, वो एंट्री के लिए होती है। आप जल्दी से जल्दी हमारे दर्शकों के लिए पेट्रोल का और राइड का इंतजाम करेंगे? श्योर श्योर, थैंक यू वेरी मच। दर्शक इंतजार कर रहे हैं, शुक्रिया। तो इसी के साथ दोबारा मिलते हैं राइड में। और आपको पहले इस पे क्या क्या डिटेल है सर? इसमें ओनर का नाम, ये दिखाना सब बहुत जरूरी है। देखिए सर, यहाँ से बताएं सर जरा, ये इंक्रेडिबल इंडिया, ये तो इनका ग्रुप है पूरा, गुजरात टूरिज्म का साथ में है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है। एंड दिस इज 21 कॉन्कॉर्ड, जहाँ पे हम अभी है, इवेंट है। बिल्कुल, ये 10th एडिशन है 21 गन सल्यूट कॉन्कॉर्ड का। एंड देन 6th, 7th एंड 8th जनवरी को है, वो डिटेल दिया हुआ है। बिल्कुल सर, यहाँ पे ओनर का नाम दिया हुआ है मेरा, सोहेब खत्री। सर सर प्लीज यहाँ पे मैं अपना नाम। जरूर सर, बेशक आपकी भी की गाड़ी है, सूर्य प्रकाश बंसल जी का नाम आ जाएगा सर। ठीक है, मेक सुएगा, सुएगा है, मॉडल सुएगा 50 बोलते हैं। हाँ ओके सर, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर 1976 और ये बॉडी टाइप मोपेड है। मोपेड, सो जैसा मोटरसाइकिल होता है, स्कूटर्स होता है ये मोपेड। और सर ये वाई का कुछ, सर ये इनका कुछ होगा। अच्छा, कुछ बिल्कुल बिल्कुल मेरे को तो सर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, आप बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ऊपर वाले से गुजारिश करूंगा कि हमारी दोस्ती ऐसी बनाई रखे। और भाई साहब से इस वीडियो के माध्यम से मेरे फ्रेंड से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे से कोई भी गलती हो मुझे माफ कर दें। फ्रेंड से भी दोबारा बोलूंगा, मेरी गलतियों को माफ करते हुए। गलतियां क्या सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा सर, आप हमारे लिए खास यहां आए सर, आप लाए, मैं नहीं आया, बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। और सभी से निवेदन है, बताएं कैसा लगा, कुछ कमियां हैं तो बताएं, उनको हम दूर करेंगे। आपको क्या देखना पसंद है वो दिखाएंगे, आपका इंटरटेनमेंट हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद, थैंक यू।